हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एक बार पुनः मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तथा आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए। दोस्तों, आप भी जब अपना मानव संपदा पोर्टल खोलेंगे, माई लीव में जाएंगे और माई लीव में जब आप जाएंगे अप्लाई लीव का कॉलम खोलेंगे और लीव को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको इतने प्रकार की लीव दिखाई देगी। अगर आप लेडीज़ हैं तो आपको ये सारी दिखेंगी, जेंट्स में कुछ चीज़ें नहीं रहेंगी। लेडीज़ों को दिखेगा अर्नड लीव, कैजुअल लीव, मैटरनिटी लीव, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, मेडिकल लीव, फुल पे लीव, कम्यूटेड, एबार्सन लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, चाइल्ड केयर लीव, मेडिकल लीव, हाफ पे लीव। यानी किसी महिला के पोर्टल पर इतनी सारी चीज़ें दिखेंगी। अगर कोई पुरुष है अपना पोर्टल खोलता है तो उस पर मैटरनिटी लीव नहीं होगी, उस पर एबार्सन लीव नहीं होगी और उस पर चाइल्ड केयर लीव भी नहीं होगी। यद्यपि चाइल्ड केयर लीव होना चाहिए था क्योंकि जो है जो सिंगल पेरेंट है उसे चाइल्ड केयर लीव मिल सकती है। तो अभी भी मानव संपदा पोर्टल पर कुछ चीज़ें आनी बाकी हैं, लेकिन जो इस समय विद्यमान है हम उसके बारे में बातचीत करना चाहते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अर्नड लीव क्या है, अर्थात आपको हर वर्ष एक दिन का अर्नड लीव मिलता है और आपके मानव संपदा पोर्टल पर लीव बैलेंस में आपको दिखाई पड़ेगा कितने दिन की अर्नड लीव है, ये छुट्टी आप ले सकते हैं। कैजुअल लीव के बारे में आप जानते ही हैं कि 14 दिन का कैजुअल लीव मिलता है एक जो है वर्ष में, एक कैलेंडर वर्ष में। मैटरनिटी लीव के बारे में भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपको जो है कितने दिन का, 6 माह का यानी 180 दिनों का जो है मैटरनिटी लीव मिलता है। रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे इसे छोड़िए, मेडिकल लीव, फुल पे लीव, कम्यूटेड के बारे में जानते हैं कि पूरी सर्विस के दौरान 365 दिन का मिलता है, 12 महीने का मिलता है। एबार्सन लीव भी 6 सप्ताह का होता है, ये भी आप जानते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को छोड़िए, चाइल्ड केयर लीव के बारे में अच्छे से जानते हैं कि 730 दिन की मिलती है। अब यहाँ जो तीन प्रकार की छुट्टियाँ हैं, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे ये क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हॉलीडे लीव ये क्या है और मेडिकल लीव, हाफ पे लीव ये क्या है, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहला तो है रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे लीव, दूसरा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव और तीसरा है मेडिकल लीव हाफ पे, अर्थात आप यह छुट्टियां भी ले सकते हैं लेकिन कैसे और कितने दिन की, आइए हम अपनी वीडियो में आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिबंधित छुट्टी या रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे या वैकल्पिक छुट्टी जिसे आप कहते हैं। भारतीय अवकाश प्रबंधन नीति में प्रबंधित अवकाश को वैकल्पिक अवकाश भी कहा जाता है। यह छुट्टी का प्रकार है जो एक कर्मचारी के लिए वैकल्पिक है और उस पर निर्भर करता है कि वह इसका लाभ उठाना चाहता है या नहीं। उन्हें एक वित्तीय वर्ष में प्रतिबंधित छुट्टियों की एक विशेष संख्या का चयन करने की अनुमति है जिसे प्रतिबंधित छुट्टियों की अधिकतम सीमा के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ पर आप दोस्तों समझ लीजिए कि आपको जो रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है किसी कैलेंडर वर्ष में 2 दिन का आपको रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे मिल सकता है। फिर से मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, पूरे कैलेंडर वर्ष में सिर्फ 2 दिन का आपको रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे मिल सकता है, लेकिन कब? उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए कि जैसे रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जो हिंदुओं के बीच मनाया जाता है, इस मामले में इसे वैकल्पिक या प्रतिबंधित अवकाश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि दोस्तों रक्षाबंधन सभी के द्वारा तो मनाया नहीं जाता और ये भी जो है रक्षाबंधन ये भी नहीं है कि वो हर जगह पर मनाया जाता हो, भारत के सभी राज्यों में मनाया जाता हो यह भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे भारत के ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जो है हिंदुओं की संख्या कम है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर रक्षाबंधन मनाया जाता हो। तो यह एक प्रकार का हो गया रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। इस मामले में इसे वैकल्पिक या प्रतिबंधित अवकाश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यानी जो व्यक्ति रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाता वह भी चाहे तो इस अवकाश को ले सकता है प्रतिबंधित अवकाश के रूप में, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे के रूप में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित प्रतिबंधित अवकाश 2022 की सूची, 9 वर्ष दिन 1 जनवरी, मकर संक्रांति 14 जनवरी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्मदिवस 14 जनवरी, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज रहमान का उर्स 27 जनवरी,
बसंत पंचमी 5 फरवरी, संत रविदास जयंती 16 फरवरी, होली सभी बारात 19 मार्च, चेती चंद 2 अप्रैल, महर्षि कश्यप और महाराजा निषाद राजगुहा जयंती 5 अप्रैल, ईस्टर शनिवार 16 अप्रैल, चंद्रशेखर जयंती 17 अप्रैल, ईस्टर सोमवार 18 अप्रैल, जमात अलविदा रमजान का आखिरी शुक्रवार 29 अप्रैल, परशुराम जयंती 3 मई, मीठी ईद 4 मई, लोकनायक महाराणा प्रताप जयंती 9 मई, ईद उल जुहा बकरीद 11 जुलाई, मुहर्रम 10 अगस्त, अनंत चतुर्दशी 9 सितंबर, विश्वकर्मा पूजा चेहल्लुम 17 सितंबर, महाराजा अग्रसेन जयंती 26 सितंबर, दशहरा महाअष्टमी 3 अक्टूबर, महर्षि वाल्मीकि जयंती 9 अक्टूबर, नरक चतुर्दशी 23 अक्टूबर, छठ पूजा उत्सव 30 अक्टूबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल आचार्य नरेंद्र देव जयंती 31 अक्टूबर, उदय देवी शहीद दिवस 16 नवंबर, चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन 23 दिसंबर। दोस्तों ये है कुल आपके जो है प्रतिबंधित या रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे जो यूपी गवर्नमेंट ने घोषित किया है, और आप जो है साल भर में इनमें से कोई 2 अवकाश पर जो है रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे ले सकते हैं। अगर इन दिनों कोई सार्वजनिक अवकाश नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में तो आप इस दिन पर जो है रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे ले सकते हैं। कि रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे क्या है, अर्थात प्रतिबंधित अवकाश क्या है, और कौन ले सकता है, कब ले सकता है, और कितनी बार ले सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों दूसरा जो हमारा दिख रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, असाधारण अवकाश, जो वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 2 नियम 2 से 4 है उसमें वर्णित है असाधारण अवकाश, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, यह भी आप ले सकते हैं। असाधारण अवकाश निम्न विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत किया जा सकता है, जब अवकाश नियमों के अधीन कोई अन्य अवकाश दे न हो। अवकाश नियमों के अधीन आपको कोई अन्य अवकाश दे न हो, अन्य अवकाश दे होने पर भी संबंधित सरकारी सेवक असाधारण अवकाश प्रदान करने के लिए आवेदन करें, यानी अगर आपके पास अन्य अवकाश बचे हैं तब भी जो है आप असाधारण अवकाश प्रदान करने के लिए आवेदन कर सकते हैं, यह अवकाश लेखे से नहीं घटाया जाता। नियम 85 स्थायी सरकारी सेवक, स्थायी सरकारी सेवक को असाधारण अवकाश किसी एक समय में मूल नियम 18 के उपबंधों के अधीन 5 वर्ष तक की अवधि के लिए स्वीकृत किया जा सकता है, किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के क्रम में स्वीकृत किया जा सकता है। यानी भले ही आपके पास अवकाश बचे हों या न बचे हों, लेकिन आप 5 साल तक का अवकाश आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप दोस्तों कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि आखिर स्टडी लीव नहीं मिलती क्या, तो 5 साल का जब आपको अवकाश मिल रहा है तो आप उसमें स्टडी कीजिए या आपको जो करना है सो कीजिए। 5 वर्ष का ये जो अवकाश है दोस्तों ये अवैतनिक होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई वेतन दे नहीं होता है। आइए आगे भी देख लेते हैं 81(6) अस्थायी सरकारी सेवक, अस्थायी सरकारी सेवक को दे असाधारण अवकाश की अवधि किसी एक समय में निम्नलिखित सीमाओं से अधिक ना होगी, 3 मास, 6 मास यदि संबंधित सरकारी सेवक ने 3 वर्ष की निरंतर सेवा अवकाश अवधि सहित पूरी कर ली हो तथा अवकाश के समर्थन में नियमों के अधीन अपेक्षित चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया हो, 18 मास तब मिलेगा यदि संबंधित सरकारी सेवक ने 1 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो और वह क्षय रोग अथवा कुष्ठ रोग का उपचार करा रहा हो, 24 मास तब मिलेगा संपूर्ण अस्थायी सेवा की अवधि में 24 मास की अधिकतम सेवा के अधीन रहते हुए जनहित में भारत अथवा विदेश में अध्ययन करने के लिए इस प्रतिबंध के अधीन देय है कि संबंधित सेवक ने 3 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली। ये तो दोस्तों अस्थायी सरकारी सेवकों के लिए, लेकिन स्थायी सरकारी सेवकों के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। आप 5 वर्ष का जो है, अगर आपने जो है 3 वर्ष की सेवा पूरी कर लिया है, या कहने का मतलब आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो गया है, तो आप 5 वर्ष के जो है असाधारण अवकाश के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अवकाश वेतन की बात करें तो असाधारण अवकाश की अवधि के लिए कोई अवकाश वेतन दे नहीं है, यानी इसमें आपको किसी प्रकार का कोई वेतन नहीं मिलेगा, इसीलिए कहते हैं इसे LWP अर्थात लीव विदाउट पे, यानी अवैतनिक अवकाश, यानी आप अपनी सेवा के दौरान 5 साल का अवैतनिक अवकाश ले सकते हैं। आपको उसमें स्टडी करना है, विदेश जाना है, जो भी कार्य करना है आप उसमें कर सकते हैं, ऐसा आपको अधिकार है, और आपके मानव संपदा पोर्टल पर यह अवकाश दिख भी रहा है और आपके लिए विकल्प खुला हुआ है। अब जो तीसरी बात आती है दोस्तों, मेडिकल ली हाफ पे लीव,
मेडिकल लीव, हाफ पे लीव क्या है, तो चलिए सबसे पहले मेडिकल लीव के बारे में जानते हैं। मेडिकल लीव पर स्थायी सरकारी सेवकों को अवकाश प्रदान किए जाने के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 2 भाग 2 से 4 के अध्याय 10 में मूल नियम 81(2) में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है। किसी सरकारी कर्मचारी को उसकी संपूर्ण सेवाकाल में कुल 12 महीने तक का अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकार किया जा सकता है। ऐसा अवकाश ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्रदान किया जाएगा जिसे राज्यपाल सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट करे और ऐसे अवकाश की अवधि निर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा संस्तुत की गई अवधि से अधिक नहीं होगी। अर्थात जितने दिन तक आपको जो है चिकित्सा प्राधिकारी ने प्रेस्क्राइब्ड किया है उससे ज़्यादा नहीं होगी। और अधिकतम कितने दिनों की, 1 साल की, 365 दिनों का आप अवकाश ले सकते हैं। और इस दौरान आपको फुल पे मिलेगा, पूरा पेमेंट मिलेगा, कोई पेमेंट आपकी कटौती नहीं होगी। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको लगता है, 1 साल अवकाश मेडिकल लीव लेने के बाद भी लगता है कि अभी आपको और मेडिकल की ज़रूरत है, तो आगे आपको 6 महीने का और अवकाश मिल सकता है, जिसे कहते हैं मेडिकल लीव के अपवाद। यदि 12 महीने की अवधि समाप्त तो हो जाए तो विशेष मामले में चिकित्सा परिषद की संस्तुति पर सरकारी सेवक के संपूर्ण सेवाकाल में चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर कुल मिलाकर 6 मास तक का और अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। यानी 1 साल तो आपने ले लिया चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर, लेकिन आप लगता है कि आप जो है फिट नहीं हो पाए, तो चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर ही आगे 6 महीने का और अवकाश ले सकते हैं। लेकिन इस दौरान, इस 6 महीने में जो आपका जो वेतन है वो आपका आधा हो जाएगा। स्थायी सेवकों को 3 वर्षों से निरंतर कार्यरत, अस्थायी सेवकों को 12 माह तक की अवधि तथा शेष अस्थायी सेवकों को 4 माह तक की अवकाश अवधि के लिए वह अवकाश वेतन अनुमन्य होगा जो उसे अर्जित अवकाश का उपभोग करने की दशा में अवकाश वेतन के रूप में देय होता है। स्थायी सेवकों को 12 माह का अवकाश समाप्त होने के उपरांत देय अवकाश के लिए अर्जित अवकाश की दशा में अनुमन्य अवकाश वेतन की आधी धनराशि अवकाश वेतन के रूप में अनुमन्य होती है। तो अब आपको बात क्लियर हो गई होगी दोस्तों। चलिए एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ। रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे वो हॉलीडे होता है जिसे केंद्र सरकार पूरे देश के लिए घोषित करती है। विभिन्न प्रकार की जयंतियाँ और त्यौहार होते हैं जिसको पूरा देश एक साथ नहीं मनाता। कुछ राज्य में वो सार्वजनिक अवकाश होता है और कुछ राज्यों के लिए जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे होता है। तो अगर आप उस दिन पर अवकाश लेना चाहते हैं तो आप उसे रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे के रूप में अप्लाई कर सकते हैं और 1 साल में ऐसा सिर्फ 2 बार ही कर पाएंगे। असाधारण अवकाश के बारे में मैंने बताया कि आप जिसे अवैतनिक अवकाश कहते हैं, आप जो है 5 साल का अवैतनिक अवकाश ले सकते हैं अपने स्टडी के लिए, किसी अन्य कारणों से, विदेश जाने के लिए या जो भी है। और उसके बाद हाफ पे मेडिकल लीव जो है, अगर आपने 1 साल का मेडिकल लीव पूरा कर लिया है, आपके पास कोई मेडिकल लीव अब नहीं बची है, तो आगे आप 6 महीने की और भी मेडिकल लीव आप ले सकते हैं और वो लीव जो है आधे वेतन पर आपको दी जाएगी, अर्ध वेतन पर अनुमन्य होगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपकी शंकाओं का समाधान हो गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ जरूरी जानकारियां लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।